अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेल, बस कुछ ही दिन रह गए हैं रमज़ान शुरू होने में। यकीन ही नहीं हो रहा कि एक रमज़ान गुजर भी गया। मुझे ऐसा लग रहा था बस अभी तो रमज़ान गुजरे है, अभी तो मैंने रोज़े रखे थे, अभी तो मैं हरम शरीफ में थी एंड अब दूसरी बार हर चीज़ करने की तैयारियाँ शुरू हो गई है। खुशी भी होती है जैसे जैसे रमज़ान नज़दीक आता है, और एक डर भी लगा रहता है कि अल्लाह ज़िंदगी के कितने कम दिन रह गए हैं और दुनिया के कितने कम दिन रह गए हैं। लेकिन हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं आज, विच इज़ रमज़ान की बरकतें। रमज़ान एक ऐसा महीना है जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह हर चीज़ को पसंद करता है। कहते हैं कि रमज़ान के जो 11 सॉरी जो कहते हैं जो साल के 11 महीने हैं उसका नाम अरबों ने रखा, लेकिन रमज़ान का जो नाम है, इस महीने का जो नाम है, वो अल्लाह सुबहाना व ताला ने खुद चुना और उसे नाम दिया रमज़ान। रमज़ान किसे कहते हैं? रमज़ान कहते हैं जल जाने को। जाहिर सी बात है, जब इंसान पूरा दिन रोज़ा रखता है, भूखा प्यासा होता है, और रोज़े जनरली गर्मी में आते हैं, तो आपके बदन के अंदर एक अलग सी गर्मी पैदा होती है, एक अंगार जैसी गर्मी पैदा होती है, और इंसान वेट करता है कि शाम कब हो, मगरिब की अज़ान अल्लाहु अकबर कब सुनाई दे, और कब मैं पानी का वो घूट और खजूर अपने मुंह में डालूं अल्लाह का नाम लेकर। और ये चीज़ हमें सिखाती है कि रमज़ान को जल जाना कहते हैं। जल जाना हर तरीके से। अल्लाह इस महीने में हमारे गुनाह माफ़ करते हैं और उसे भी जैसे जला देते हैं। इनफैक्ट कहते हैं जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं और अल्लाह जन्नत के सारे दरवाजे खोल देते हैं, ताकि आओ मेरे बंदो और इस महीने का पूरा फ़ायदा उठाओ एंड अपने लिए जन्नत बनाओ। कुरान में जब आप देखोगे, जब रमज़ान की बात आती है, जब इसकी इस महीने की बरकतों की बात आती है, हम हदीसों में पढ़ते हैं और बड़े बड़े उलमा जब इसकी बातें करते हैं, तो पता चलता है कि अल्लाह ने सबसे पहले तिलावत को तरजीह दी। बात करने में पहले तिलावत, कुरान की तिलावत को तरजीह दी। इसका ये मतलब है कि ये महीना हमें खूब तिलावत करनी है। हम सब जानते हैं कि रमज़ान का ही महीना है जब सारी आसमानी किताबें दुनिया में हर नबी पे नाजिल हुई, चाहे वो मूसा अलैहिस्सलाम हो, दाऊद अलैहिस्सलाम हो, ईसा अलैहिस्सलाम हो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। तो ये महीना कितनी बरकतों वाला है कि हमें अपनी सारी आसमानी किताबें अल्लाह ने इस महीने को चुना। तो हमें इससे पता चलता है कि इस महीने की बरकतें बहुत है। आई एम श्योर हम सब बहुत एक्साइटेड है। कुछ लोग हैं जो अनफॉर्चुनेटली रोज़ा नहीं रखते हैं। मेरा ये उनसे मैं कहूँगी, मेरी हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप रोज़े रखें, क्योंकि रोज़े की माफ़ी नहीं है। और अल्लाह ने जब हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम रोज़ा रखें और अपने गुनाहों को माफ़ करें, क्योंकि इंसान गुनाह करता है, इट्स वेरी नेचुरल, क्योंकि हम इंसान हैं और हमसे गुनाह होंगे, मरते दम तक होंगे। लेकिन जब आप रोज़ा रखते हो, रोज़ा हम क्यों रखते हैं? जब इंसान रोज़ा रखता है तो वो एक तकवा इख्तियार करता है। व्हाट इज़ तकवा? तकवा आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है और आपके अंदर एक रूहानियत को पैदा करता है। देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों का ये एक जहन बन गया है कि अगर किसी की दाढ़ी है, कोई अल्लाह के रस्ते में पूरी तरीके से निकल चुका है, चाहे वो तबलीग में निकल चुका है, वो तीन दिन की जमातों में 40 दिन के चिल्ले में निकलता है, या कोई औरत है जो पर्दा करती है और हर वक्त अपने नमाजों को मिस नहीं होने देती, रोजे रखती है, तो ये हमारे सोसाइटी में एक प्रेशर बन गया है कि इनसे कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। तो ये हमें अपने जहन से निकाल देना चाहिए कि वो भी इंसान है और कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी को बेटर बनाए, तो गुनाह होने की और ऐसी कोई चीजें लाइफ में अनफॉर्चुनेट होने के चांसेस हैं। लेकिन
जब इंसान तकवा इख्तियार करता है ना, तो अल्लाह फौरन जब आपसे कोई गलती होती, कोई गुनाह होता है, तो आपका दिल फौरन आपको यू नो बेचैन हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं इस ये चीज गलत है, अब मुझे अपनी जिंदगी में इस चीज को नहीं रखनी है और इस चीज से आगे बढ़नी है, मुझसे ये गलती हो गई है। तो ये हमें तकवा सिखाता है। एंड रमजान में जब इंसान रोजे रखता है तो आपका तकवा कहीं ना कहीं बढ़ता है, क्योंकि है ही रमजान कुर्बानी का नाम और हम सब कुर्बान करते हैं। हम कोशिश करें कि रमजान में कुरान की तिलावत को बहुत अहमियत दे, जितना हो सके कुरान की तिलावत पूरा दिन करे। इस ये महीना बहुत प्रेशियस है, ट्रस्ट मी मेरे भाई बहनों, कि यू नो हमें अभी ऐसा लगता है कि हम देखते हैं अरे खत्म भी हो गया रमजान, अरे आज ईद भी आ गई, लेकिन जिस दिन हमारी आंखें बंद होगी और हमें पता चलेगा कि इस रमजान में हमें कितने बेनिफिट्स मिले, इंसान सोचेगा काश मैंने इसको और यूटिलाइज किया होता। तो आज हमारे पास वो वक्त है कि हम अल्लाह ने हमें यू नो एटलीस्ट जवानों को मैं कहूंगी कि देखो बूढ़े जब हो जाते, एक इंसान का जब एज हो जाता है बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, तो हम कोशिश करें कि हम अपनी जवानी की इबादत को ना एकदम डट के करें। मेरी मम्मी भी बहुत यू नो इनफैक्ट इतने सालों से बीमार है और वो नफली रोजे इतने नहीं रख पाती है, लेकिन माशाल्लाह से रमजान के सारे फर्ज रोजे रखती है। इतने सालों से मेरी मम्मी हर 30 रोजे यू नो जितने 29 रोजा होता है या 30 रोजा होता है, मेरी मम्मी माशाल्लाह से पूरे रोजे रखती है। एंड कहते हैं मैं उस दिन सुन रही थी कि हदीसों में यह है कि अगर आप 29 भी जब रोजा होता है महीने का, अल्लाह पूरा 30 का सवाब देता है। तो रमजान इस बरकतों वाला है महीना, हमें इसके अंदर कोशिश करनी चाहिए कि हम जितने भी अभी काम है आप कोशिश करें, इफ्तार की भी जो भी हम चीजें करते हैं हम कोशिश करें उसे अभी थोड़ा यू नो पहले चीजों को रेडी करके रख दे, ताकि रमजान में हमारा वक्त इन सारी चीजों पे जाया ना हो। हम कोशिश करें कि हम अपने काम को, दुनियावी काम को थोड़ा कम कर दें। देखो रिस्क तो अल्लाह ने लिखा है और वो हमें माशाल्लाह से मिल भी रहा है, और रमजान बरकतों वाला महीना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने यू नो अल्लाह को राजी करने के लिए उनके लिए रोजे रखे, आपने अपना दुनियावी काम थोड़ा कम कर दिया और आप हर तरीके से आपका फोकस सिर्फ रमजान की जो एक्चुअल अहमियत है उसे फॉलो करने के लिए। तो हो ही नहीं सकता कि आपकी रोजी में तंगी आए। कहते हैं जो लोग रोजा रखते हैं अल्लाह उनकी रोजी भी बहुत बढ़ा देते हैं, उन्हें बरकत वाली रोजी देते हैं और उन्हें उनके लिए रिस्क हलाल बढ़ा देते हैं। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हमारा रिस्क हलाल बढ़ जाए अल्लाह की खूब इबादत करके इस महीने में। ऑल्सो यू नो हम कोशिश करें कि हम अपनी ज़कात, अभी हमारे पास टाइम है एक दो दिन यू नो बचे हमारे पास, दो तीन दिन इनफैक्ट, तो हम कोशिश करें कि हम बैठ के कैलकुलेट कर ले कि हमें कितनी ज़कात निकालनी है, उसको सेग्रीगेट कर दे और कोशिश करें कि आप पहले ही लोगों तक जिन्हें जो भी देना होता है यू नो आपस घर में आपके हेल्पर्स हैं, अदरवाइज आपके जो रिलेटिव्स हैं जो जिनको ज़रूरत है, जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं, आप उन्हें अभी दे दें ताकि उनका रमज़ान की वो तैयारियां कर सके और दिल खोल के वो और उनके घर वाले रोजा रख सके बिना किसी टेंशन के यू नो अब क्या खाएंगे, अगर क्या होगा, ये सारी टेंशन को छोड़ के हम कोशिश करें कि हम अपना भी रोजा अच्छा बनाएं और दूसरों के लिए भी उनकी रोजे की यू नो क्या कहते हैं उनके दस्तरखान को बढ़ाए, ताकि वो भी खुशी से रोजा रख सके अपने बच्चों के साथ बिना किसी एक्स्ट्रा टाइम काम करने का सोचे। उसके अलावा हम कोशिश करें कि हम एटलीस्ट एवरी डे हो सके तो तर्जुमा आप कुरान का करें। इफ नॉट यू नो फुल्ली आपको लगता है आपको और पढ़ना है, अगर आपको लगता है कभी कभी होता ना हमें लगता है हमें एक दो ज्यादा कुरान मुकम्मल करने हैं, तो हम कोशिश करें कि एटलीस्ट एक सफ़ा हम तर्जुमा का पढ़े एवरी डे, ताकि हमारे अंदर कुरान उतरे। हम जब भी कुरान खोले, मैं ये करती हूँ, जब भी मैं कुरान खोलती हूँ मैं अल्लाह से कहती हूँ कि अल्लाह बस मुझे ये बुक में जो लिखा है ना ये मेरे दिल में उतार दे और मेरी जिंदगी को तो ऐसी बना दे, मैं ऐसे जीना चाहती हूँ जो बुक में आपने इस बुक में जो आपने लिखा है मेरी जिंदगी को वैसे बना दे, दैट्स इट, मुझे ऐसी ही जिंदगी चाहिए। तुम कोशिश करें कि कुरान एक इतनी बड़ी यू नो कहते हैं ना सबसे बड़ी दावत जो है वो कुरान है और अजान है जो हमें अल्लाह की तरफ लेके जाती, तो हम कोशिश करें कि हम उसे खोलें और नियत करें कि अल्लाह तू इसके अंदर बरकत दे और इसकी जो बरकत है वो हमारी जिंदगियों में उतार दे, तो हम इस बात की भी कोशिश करें। उसके अलावा आप यू नो बहुत सारी चीजें जहां पे तरावी की बात आती है आप बिल्कुल तरावी मिस ना करें। पता है आपको तरावी का एक सजदा 1500 नेकियां है एक सजदे पे। इमेजिन हम दो रकात नमाज में कितना सजदा करते हैं, चार सजदा करते हैं,
सो यू कैन इमेजिन, आप कैलकुलेट कर दीजिए 6,000 नेकियां इन 2 रकात। तो यू नो ये बहुत 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 बड़ा अल्लाह की तरफ से तोहफा है रमज़ान में हम सब गुनाहगारों के लिए। तो तरावी बिल्कुल ना जाने दीजिए। जो लेडीज़ घर पे है वो 2-2 रकात कितना कितना वक्त लगता है हमको ही, यू नो एक एक से पारा तो पढ़ते नहीं है नमाज में। एक यू नो आपने ऐसा ना पढ़ा, उसके बाद आपने अलहमद पढ़ा, एक छोटा सुरा पढ़ लिया, उसके बाद आपने फिर वही किया, आपकी 2 रकात हो गई। माशाल्लाह से आपने ऐसी 20 रकात पढ़ ली, तो आप सोचिए अपने कितने गुनाह अपने माफ़ किए। अल्लाह इस महीने में आपके गुनाह सिर्फ माफ़ नहीं करता, वो आपका उस गुनाह का नामो निशान आपके बुक में से निकाल देता है। जो आपके अमाल के बुक होते हैं उसमें से ये रिकॉर्ड पूरी तरीके से अल्लाह पाक गायब कर देते हैं। तो हम कोशिश करें कि इस हमें अल्लाह ने देखो मौका दिया है कि आज हम ये साल के रमज़ान में पहुँच पाए। कितने लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, यू नो जानती थी, और वो पिछले साल हमारे साथ थे, हमारे साथ इफ्तार करे, हमारे साथ यू नो रमज़ान की तैयारियां करे, और इस साल वो नहीं है। तो हम बस कोशिश करें कि यू नो हमें नहीं पता हमें अगले साल ये मुबारक महीना नसीब हो ना हो, हम अपने गुनाहों की इस साल हम कोशिश करें कि हम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले, हम तौबा कर ले। देखो रमज़ान का महीना इतनी बरकतों वाला महीना है, और इसके अंदर ही हम अल्लाह सुभान व तआला से तौबा कर ले अपनी पुरानी ज़िंदगी से, और नई तरीके से ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश करें, क्या ही वो बात होगी। तो बस मैं चाहती हूँ कि यू नो ये मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को, क्योंकि रमज़ान जैसे मैंने पहले भी कहा है कि रमज़ान वॉज अ मंथ दैट आई डिसाइडेड टू चेंज, यही वो महीना था 2020 का जब मैंने तय किया था कि अब सना वो ज़िंदगी नहीं जीनी है। यू नो हर जाहिर सी बातें नफ्स है, और इंसान दुनिया की तरफ अट्रैक्ट होता है, और शैतान का वही तो काम है कि हमें दुनिया की तरफ और अट्रैक्ट करे। बट यू नो आपको अपनी आखिरत याद रखनी है कि एंड ऑफ द डे तो मर जाना है ना, कुछ भी कर ले इंसान, कुछ भी कर ले। अब आप जब मैं अपनी खुद की जर्नी देखती हूँ तो मुझे लगता है, अगर मैं सिर्फ अपने आप को देखूँ तो मुझे लगता है मैं दिखती भी अलग थी, यू नो, और चेंजेस आता है ना इंसान के अंदर। एंड मुझे रियलाइज हुआ कि वाकई हर चीज तो फना हो जाने वाली है ना, और जब सब फना ही होना है तो इसके पीछे भाग के और अपनी जिंदगी को खराब करके क्या मतलब है, मैं अल्लाह को राजी करूं। बेशक हमारे अंदर मरते दम तक खामियां होगी एंड हमें वो फाइट करनी है, बट यू नो डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। एंड रमजान इज द मंथ वेयर यू शुड यू नो आप अपना पूरा 100% दे दे, ट्रस्ट मी। और ये महीने में मैं आपको बोलती हूँ, आप जब डिसाइड करोगे ना कोई चीज़ आपको चेंज करनी है अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी का रुख बदलना है, अल्लाह की तरफ और जाना है, आई एम टेलिंग यू बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है इस महीने में। और मतलब मैंने तो ये देखा है कि मुझे तो बहुत हिम्मत मिली है, और रमज़ान का क्योंकि वो 30 दिन होता है, रोज़ा होता है, तो इंसान के अंदर इतने चेंजेस आते हैं कि वो नेचुरली उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता है। तो बस आप सब कोशिश करें कि इस रमज़ान हमें प्लानिंग कर ले कि हमें सब वो चीज़, आई नो सबको खाना पीना पसंद है, मैं ये नहीं कहती कि वो सब छोड़ दीजिए, बट पहले से ही उसका सॉर्ट कर लीजिए। बाज़ार अभी 1-2-3 दिन है, आप कोशिश करें कि आप जो भी दूसरी चीज़ें हैं उसे फिल इन करके रख दीजिए जो रखी जा सकती है। उसके अलावा अगर आपके कोई कपड़े या कुछ या जो भी है उसे भी ज्यादा से ज्यादा, जो भी आप करते हैं तैयारियां, हर किसी की अलग तैयारियां होती है, उसे आप पहले से कर दें। अगर आपके एम्प्लॉयज है आप कोशिश करें उन्हें थोड़ी आसानी दे रमज़ान में, उनका काम का टाइम थोड़ा कम कर दे अगर हो सके तो। और कुछ काम ऐसे होते हैं जाहिर सी बात है जहाँ पे बहुत, बिकॉज रमज़ान इज़ अ बिजी मंथ इवन फॉर ताजीर लोग जो होते हैं, हर कहते हैं ना कि हर फेस्टिवल रिलीजियस हो, और कोई भी फेस्टिवल आप साल के उठा के देख लीजिए कितने फेस्टिवल्स होते हैं। अगर मैं इंडिया का ही कहूँ तो कितने फेस्टिवल्स होते हैं, यू नो अगर आप ओवरऑल सबको गिन ले पूरी दुनिया के लोगों को तो कितने फेस्टिवल्स हैं। और हर फेस्टिवल एक ताजीर के लिए कमाने का वक्त होता है कि ये मेरा प्रॉफिट का महीना है, चाहे वो रमज़ान है, चाहे वो यू नो दिवाली है, चाहे वो कोई और फेस्टिवल हो, ये हमारे कमाने का महीना है। वैसे ही जो रमज़ान है ये हमारे गुनाहों को माफ़ करने का महीना है, और इस वक्त हमें सवाब कमाना है। तो ये भी जो ईमान वाले हैं और जो अल्लाह से यू नो तौबा करना चाहते हैं, वैसे ही ये महीना उतने ही बिजनेस वाला है कि आप हर चीज़ डबल कर सकते हो। आपकी हर नमाज का सवाब डबल हो जाता है, आपके रोज़ों का सवाब डबल हो जाता है, हर चीज़ अल्लाह मतलब
यू नो आप अगर कम भी कुछ बोलो तो भी अल्लाह की कहते ना, अल्लाह जो वादे करते हैं वो तो देते ही देते हैं, लेकिन जिन चीजों का वादा नहीं है उसका अजर और भी डबल है। तो हम बस अल्लाह को राजी करने के लिए यू नो इस महीने पूरी 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 तैयारी करें, और बस मैं यही चाहती हूँ कि बस हम सब सुपर एक्साइटेड हो जाए, जिन्हें भी जो भी अपने प्लानिंग करनी है, जो प्लानर होता है ना, रमजान प्लानर टाइप होता है, जो लोग अपना सब प्लान करते हैं कि क्या करना है कैसे करना है, जो लोग जॉब्स पे भी जाते हैं अब वो भी प्लान कर ले कि मैं तिलावत का वक्त कब दूंगी, ये टाइम पे मुझे ऐसी सारी चीजें करनी है, शाम को ये है, तो हम थोड़ा सा अगर प्लानिंग कर ले तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो बस रमजान मुबारक आप सबको, मैं बहुत खुश हूँ, बस 2-3 दिन रह गए, अल्लाह हमें खैर और आफियत के साथ, कहते हैं ना वबल लिगना रमजान, हमें रमजान के मुबारक महीने में हम सबको दाखिल कर दे। अभी भी डर लगा रहता है ना कि हम पहुंचेंगे कि नहीं रमजान तक, और हमें रोजे नसीब होगे कि नहीं, तो बस हम अल्लाह से खूब मांगे। और जाहिर सी बात है, जो इंसान नियत करता है, जिसने अभी से नियत कर ली कि मुझे पूरे कोशिश करनी है कि मैं एक भी रोजा नहीं छोड़ूंगी, कुरान की तिलावत करूंगी, खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता है तो भी आपकी नीयत पे आपको सवाब है। तो बस आप लोग कोशिश करें, हम सब कोशिश करेंगे, मैं खुद ये कोशिश करती हूँ, अपने आप को फुल्ली प्रेप कर रही हूँ मैं रमजान के लिए, एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं छोटे छोटे वीडियोज अपलोड करते रहूँ जो हम सबके लिए बेनिफिशियल हो। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक आप सबको फिर से।